सीबीएसई के 10th के परीक्षा परिणाम में एक बार फिर मनस्कृति की बेटियों ने परचम लहराया है और हमारे साथ तमाम वो बेटियां मौजूद हैं जिन्होंने अपने न केवल स्कूल को गौरवान्वित किया है बल्कि माँ बाप का नाम भी रोशन किया है। सबसे पहले स्कूल को टॉप करने वाली हमारे साथ महक यहाँ पर मौजूद है। महक, कितने मार्क्स आए हैं आपके और किस तरह से इस अचीवमेंट तक पहुँचे आप? मेरे सबसे पहले ओवरऑल परसेंटेज 98% आई है और एसएससी और कंप्यूटर सब्जेक्ट में मेरे फुल मार्क्स आए हैं 100 और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छे आए हैं। ऐसे मार्क्स देख के पेरेंट्स टीचर्स सब लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और मतलब उन्हीं सारे टीचर्स और सारे मतलब पेरेंट्स वगैरह सबका थैंक यू करना चाहेंगे क्योंकि उन्हीं की वजह से आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। आगे का क्या फ्यूचर प्लान है? आगे मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है जिसके लिए मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम चूज़ करी। 12th का बोर्ड का अभी तो से गोल डिसाइड कर लिया है क्योंकि बच्चे आजकल बड़े फॉरवर्ड होते हैं। हाँ जी, सब डिसाइडेड है, बस उसी की तरफ मेहनत करनी है और इसी इसी लगन से आगे बढ़ना है। मनस्कृति स्कूल की ऐसी क्या यूएसबी आपको लगती है जो आपको लगा कि मेहनत आपने की लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर आपको मनस्कृति का जो स्टाफ है, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, वो खड़े नजर आए, अगर उसको एक वन वर्ड में डिस्क्राइब करने को कहें? आई थिंक सब लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, सारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल मैम, एवरी वन इन द स्कूल, सब लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिलती है और कि कैसे वो बच्चा कहाँ पर लैग कर रहा है, कहाँ उसे मेहनत करने की ज़रूरत है, तो बच्चों की जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उन सब पे काम किया जाता है। और बिल्कुल देखिए, टीचर के लिए उस बेहतरीन पल से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो सकता जब उसके बच्चे जो है वो अचीवमेंट हासिल करते हैं। और वंदना मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, महक और बाकी मैं देख रही थी, नमस्कार। सबने बहुत अच्छा जो है स्कोर किया है। क्या चुनौतियाँ आई कोविड के बाद बच्चों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई सफरर रहा है बच्चों से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन का प्रेशर झेला है तो वो टीचर्स ने झेला है, तो कितनी आपके आगे चैलेंजेस थे ताकि एक अच्छा रिजल्ट आप स्कूल को दे सकें? कोविड के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था बच्चों को आंसर्स लर्न करवाना, मेमोराइज करवाना, जो कि 2 सालों में बच्चों एक तरह से एक हैबिट जो होती है वो ऑलमोस्ट कम हो चुकी थी उनकी, लर्निंग हैबिट, स्पेशली द सब्जेक्टिव आंसर्स। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि बच्चों को, क्योंकि बीइंग अ एसएसटी टीचर तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि एसएसटी में सबसे लंबे लंबे आंसर्स, लेंथी आंसर्स लिखे जाते हैं, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि बच्चों को वो चीज़ कैसे लर्न करवाई जाए। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि एनसीईआरटी को बार 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 उसको रिपीटेडली रिवाइज करवाएं, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, कोई भी चीज़ ना छूटे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बाद में सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करे, साथ में एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर, सारी चीज़ें हम लोगों ने करवाई और सपोर्ट रहा मुझे उसमें बच्चों का भी। महक के क्या आपको लगता है कि कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी आपको और लगा कि उस चुनौती को पार करने में महक ने बहुत मेहनत की? ज़्यादा मेहनत तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि महक वो इंस्ट्रक्शन जो भी मिलती थी वो फटाफट फॉलो करती थी और उस चीज़ को अपने उसमें आई कैन से कि अपने डेली रूटीन में उस चीज़ को फॉलो भी करती थी, तो मेहनत तो नहीं कहूँगी। हाँ, कुछ एरियाज थे जहाँ पे उसमें कुछ कमी थी, तो उस चीज़ पे हमने वर्कआउट किया एंड शी इम्प्रूव्ड इन दैट एरिया। जी, क्या नाम है आपका? जोया खान। जोया, कितने मार्क्स आए हैं आपके? मेरे 95% आए हैं। फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा जिसमें हाईएस्ट स्कोर किया? मेरे एसएसटी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है जिसमें मेरे 99 मार्क्स आए हैं। तो किस तरह से प्रिपरेशंस की आपने? प्रिपरेशंस एसएसटी में तो मेरा मानना है कि एनसीईआरटी इज द होली बुक फॉर अस एंड एनसीईआरटी से ही सारा हमारा पेपर आता है बोर्ड का। बस यही हमारी स्ट्रेटेजी थी और मैप वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रीवियस ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। क्या नाम है आपका? आयुषी सहरावत। आयुषी, कितने मार्क्स हैं आपके? मेरे 92%। मनस्कृति की मुझे क्वालिटी बताइए कि किस तरह से आपको हेल्प किया इस अचीवमेंट के लिए और किस तरह से, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मतलब ऐसे तो ज़्यादा घंटे तो रोज़ नहीं पढ़ा, लेकिन जितना भी पढ़ा वो कंसिस्टेंटली था, रोज़ रोज़ पढ़ा। और मनस्कृति से सपोर्ट तो ऑब्वियसली मिला ही है, टीचर्स का सपोर्ट और मतलब सब ने बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में, जैसे डाउट वगैरह सब साथ के साथ ही क्लियर हुए थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। जी, क्या नाम है आपका? नव्या शर्मा। कितने मार्क्स हैं नव्या? 93%। तो सबसे ज़्यादा किस में स्कोर किया आपने? मैंने ICT में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, 99 मार्क्स। और मार्क्स किस में कम रह गए? मेरे मैथ्स में थोड़े कम रह गए मार्क्स, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली मैथ्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था।
तो वो रह गया एक तो एरिया। 11th में मैथ्स से छुट्टी लेने की तैयारी है? मैंने मैथ्स नहीं चूज़ किया है, अच्छा, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हूँ तो मेरा मेन फोकस SST पे ही है। आजकल के कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर अचीवमेंट चाहिए तो बस पढ़ना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि मनस्कृति का एक ट्रेंड रहा है कि वो को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी फोकस करता है ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। कितना जरूरी मानते हैं कि अगर आप डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक जो लोगों ने मिथ बना रखा है कि अगर आप कहीं और इन्वॉल्व हो जाते हैं तो स्टडी जो है कहीं ना कहीं सफर करती है, लगता है आपको ऐसा है? मुझे नहीं लगता ऐसा है। हाँ जी, जी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। एंड बीइंग एन SST स्टूडेंट, सोशल साइंस बेसिकली सोसाइटी से डील करना सिखाता है, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी हमें रहना चाहिए और वो हम लोगों को सोसाइटी से डील करना सिखाता है। क्या नाम है आपका? आफिया खान, कितने आफिया मार्क्स हैं आपके? 94%। सारी जो है गर्ल्स हैं, एक भी बॉय नजर नहीं आ रहा मुझे, तो प्राउड फील हो रहा है कि आप सिबलिंग में ब्रदर हैं आपके। हाँ, छोटा भाई है अच्छा, तो अभी। प्राउडली कहा कि हम सारी गर्ल्स अचीवर हैं। गर्ल पावर ये ऑलवेज। दोनों भी सिबलिंग हैं, दो ही ओके, हैं तो आपके। दोनों बहनों ने जो पेरेंट्स को प्राउड फील कराया है। हाँ, बस माता पिता का सपोर्ट था, हमारी प्रिंसिपल मैम थी, सारे टीचर्स थे, उनका सपोर्ट था, हमारी मेहनत थी, सब कुछ कर दिया और पास हो गया वैसे अच्छा, अच्छे ये तरीके से। बताइए, जब ऑनलाइन आप पढ़ते थे और उसके बाद अब ऑफलाइन पर आ गए, तो आप कहीं ना कहीं लगा कि कुछ एक छूट सा गया था पढ़ाई के साथ साथ, अगर कहें जो आप लोग पढ़ने वाले बच्चे भी थे वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो गया था उनको, तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? ऑनलाइन में तो ये था कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बार बार, मतलब एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आपका एक तरह फोकस रहता है। जैसे हम अगर क्लास में हैं तो फिर अगर टीचर हमें कोई टॉपिक पढ़ा रही है तो हम उस पर आराम से फोकस कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ऑफलाइन में आके आप फोकस कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं और कंसिस्टेंसी रहेगी तो आराम से वी विल स्कोर बिल्कुल, बेटर। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और ज्योति भल्ला जी प्रिंसिपल हमारे साथ है, मैम जैसे कि मैं अभी बच्चों से बात कर रही थी तो बताया कि इस बार थोड़ा सा बैड लक उनका ये रहा कि सिलेबस बहुत ज्यादा था और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और इस अगले साल के लिए थोड़ा रिड्यूस हो गया, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है एज अ प्रिंसिपल भी कि स्कूल बहुत अच्छे से अचीव कर सके। नमस्कार एवरीवन, मानसकृति के बच्चों ने बहुत ही अच्छा काम करा है और जब रिजल्ट आया तो मैं खुद वुमन गर्ल पावर को देख के खुद भी बहुत हैरान हो गई। देयर वाज अ चाइल्ड हर्ष डागर, उसके भी अच्छे आने थे, लेकिन मैथ्स के पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था, काफ़ी केस स्टडीज थी जो बच्चे थोड़ा सा टर्न और ट्विस्टेड थे वो क्वेश्चन पेपर्स, जिसके कारण बच्चे नहीं कर पाए, बट स्टिल दो तीन बच्चों ने 95 मार्क्स लिए। हमारे स्कूल में सबसे अच्छा पार्ट इस बार पूजा ये हुआ है कि बच्चों ने एक कंसिस्टेंटली और बहुत रेगुलरिटी से काम किया है, एंड ऑल ऑफ अस टुगेदर एज टीचर्स एंड मी कोऑर्डिनेटर्स वी हैव वर्क कि हम बच्चों को एक टाइमलाइन दें। मैं जब भी इनकी क्लासेस में एवरी डे मॉर्निंग में जाती थी, मैं हमेशा इनको पूछती थी कि आपने अपना डे कैसे एलोकेट कर रखा है टाइम वाइज। मैंने इनको ये भी सिखाया था कि सुबह अलार्म अपने अपने फेवरेट रिंग टोन से बजाना, एंड दे सेड कि नहीं मुझे तो मिक्का का गाना पसंद है। मैंने कहा फिर उसी से बजाना, लेकिन सुबह उठकर पढ़ना, और सुबह पढ़ने के लिए टिप्स में मैंने यही कहा था इनको, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने फॉर्मूलाज हैं उनको लर्न करना, और SST के जितने भी क्रैमिंग वाले हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे आप बहुत फ्रेश माइंड में होते हैं। तो आई थिंक इन बच्चों ने वो सब काफी हद तक फॉलो करा। वी आर वेरी प्राउड कि हमें महक यादव के SST में 100 में से 100 आए हैं, और आफिया और जोया के भी बहुत ही अच्छे आए हैं, नव्या ने भी ह्यूमैनिटीज लिया है। आई थिंक मनस्कृति फरीदाबाद में एक नंबर वन स्कूल बनेगा फॉर गिविंग ह्यूमैनिटीज, एंड वी रियली विश दैट ये बच्चे आगे UPSC सिविल सर्विसेज में जाएं, और मेरी यही कामना है कि ये बच्चे पॉलिसी मेकिंग में जाएं हमारी सरकार के लिए, ताकि ये बच्चे डिसीजन मेकिंग की जो पावर हम इनको स्कूल में सिखा रहे हैं एट एवरी प्लेटफॉर्म एट इन इवन इन द क्लासरूम ऑल्सो, कि बच्चे की जो डिसीजन एबिलिटी क्या होती है जब बच्चे को मौका दिया जाता है किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछने के लिए। हमारे स्कूल में पूजा कोई भी डाउट छोटा और बड़ा नहीं है, इट इज़ अ क्यूरोसिटी ऑफ द चाइल्ड टू आस्क।
सो वी ऑलवेज एनकरेज आवर चिल्ड्रन टू आस्क एवरी एंड सिंगल और मल्टीपल क्वेश्चंस. और आई थिंक जब बच्चों के दिमाग में कोई डाउट नहीं रहता तो उसके कारण काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी होती. मैम एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये टेंथ के बाद जो रिजल्ट होता है वो डिसाइड करते हैं बच्चे की आगे फ्यूचर में करियर में कहाँ जाए, लेकिन कई बार हमने देखा है कि पेरेंट्स के दबाव में, पेरेंट्स की जो इच्छाएं दबी हुई होती हैं उसके प्रेशर में आके वो कहीं ना कहीं रॉन्ग स्ट्रीम चूज कर लेते हैं और कई बार वो लोग सक्सेस नहीं हो पाते और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रिवर्ट बैक आ जाते हैं. तो उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे, उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे एक शिक्षाविद होने के नाते? आई थिंक बच्चों को डिसीजन मेकिंग देनी चाहिए. हमने भी कंसेंट फॉर्म्स दिए थे, बच्चों ने अपने पेरेंट्स को दिखाए, बट एक खुला एटमॉस्फेयर रखा गया जहाँ पे बच्चे ने अपना मत रखा और पेरेंट ने भी अपना रखा. एंड मोस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन हैव टेकन द स्ट्रीम ऑन देयर ओन विश. अगर मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आज 10th स्टैंडर्ड के बाद आप बच्चों को एक उनका मत लेने के लिए उसको ये जिम्मेवारी देंगे तो बच्चा पढ़ाई ज़्यादा अच्छी करेगा. तो देखिए जी, अभी 11th और 12th में कहानी पूजा, अभी इट इज नॉट जस्ट CBSE बोर्ड एग्जाम्स, अब कहानी पहुंच गई है CUET पे. तो अब जब तक बच्चे CUET क्लियर करेंगे तो उस CUET में उसका निचोड़ क्या है, उसका क्रक्स भी यही है कि बच्चों को हर सब्जेक्ट आना चाहिए. उसके अंदर जो थर्ड डोमेन है इट इज ऑल अबाउट जनरल अवेयरनेस. अगर ये ह्यूमैनिटीज के बच्चे सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, कल को जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेने वाले हैं उनको भी मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन आना चाहिए. तो अभी काफी चेंजेस हो रहे हैं तो पेरेंट्स को बच्चों को फ्रीडम जरूर देना चाहिए. तो देखिए मनस्कृति स्कूल के बच्चे, प्रिंसिपल और हमारे साथ अध्यापिका यहाँ पर मौजूद रही और बच्चों को पूरी तरह से अभिभावक आज़ादी दे ताकि उनकी प्रतिभा जो है बाहर आ सके. और मनस्कृति स्कूल इसी ट्रेंड को फॉलो करता है और उम्मीद जताई जा सकती है कि जैसे इस साल 10वीं के परीक्षा परिणाम में स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने परचम लहराया है, आगे भी इसी तरह स्कूल का नाम रोशन करते रहेंगे. कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब के CTV.